हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रोटियां बच जाती हैं और वो वेस्ट जाती हैं, तो आज हम उन्हीं बची हुई रोटियों से बनाएंगे हेल्दी नाश्ता। बच्चों की भाषा में कहा जाए तो नूडल्स। तो मैंने चार रोटी ले ली हैं, यानी कि चार रोटी बच गई थी और घी लगी हुई रोटी हैं, तो इन्हें मैंने गोल गोल कर लिया है। ये बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है, बच्चे भी इसे बना सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से गोल गोल करके चाकू से हम इसे पत्ता पत्ता काट लेंगे, मोटा नहीं काटेंगे, जितना पतला काटेंगे उतने ही बढ़िया ये बनकर तैयार होगी। तो फटाफट से इसे काट लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि रात में रोटी बच जाती है, तो हम सुबह को इस तरीके का नाश्ता भी बनाकर खा सकते हैं। या दोपहर में ऐसा होता है कि रोटी बच गई तो बच्चों को 4 बजे भूख लगती है, हम जब बना सकते दे सकते हैं। तो इसमें सब्जियां घेरी है मैंने, हरी मिर्च है, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, लहसुन अदरक और 2 प्याज हैं। तो जो सब्जी आपको पसंद हो आप उस सब्जी को डाल सकते हैं, यानी कि इसमें भरपूर मात्रा में आप सब्जी डाल सकते हैं। तो सरसों का तेल ले लिया है, इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन और अदरक। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे ना डालें। इसके भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। तो जब प्याज डालेंगे तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है बस। ये इस तरीके से ही बनाएंगे जैसे हम चाउमीन बनाते हैं या मैक्रोनी बनाते हैं, उस तरीके से ही बनाएंगे, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। तो ये प्याज भी भुन गई है, हरी मिर्च डाल दी है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम तीखा बना रही हूँ मैं। शिमला मिर्च है 1। अब शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि ये क्रंची अच्छी लगती है। जिस सब्जी में हम शिमला मिर्च ज़्यादा गला देते हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और क्रंची टाइप में सब खा लेते हैं। तो ये हमें सब सब्जियाँ जो हैं क्रंची रखनी है, ज़्यादा कोई भी सब्जी नहीं गलानी। तो टमाटर डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए चलाना है बस, क्योंकि इस टाइम यही सब्जी आ रही है। जाड़ों में तो बहुत सब्जी आती हैं, तो आप इसमें मटर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, और बहुत सब्जियां आती हैं जाड़ों में टेस्टी, उसे डालकर आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है हल्का सा नमक, चाट मसाला डाल सकते हैं आप, मैगी मसाला डाल लीजिए, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, और इसे डालकर मैंने चला दिया है बस 1 मिनट के लिए। इसे चलाया है बस, हमें कोई भूनना वूनना नहीं है, सिर्फ इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसमें डाल दिए मैंने टमाटो सॉस। टमाटो सॉस से इसमें मीठा मीठा स्वाद आएगा। अगर आपके पास टमाटो सॉस नहीं है तो आप हल्की सी चीनी डाल सकते हैं। तो टमाटो सॉस डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने ली है फ्रेश दूध की फ्रेश मलाई, बिल्कुल 1 चम्मच मलाई डाल के इसे मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, ये क्रीमी टाइप की बनेगी। अगर आपको मलाई पसंद नहीं है तो आप उसे भी ना डालें। तो इस तरीके से बस इसे मिक्स करना है और छोड़ देंगे। और इसमें अब डाल देंगे विनीगर। अगर आपके पास विनीगर है या सोया सॉस है, चिली फ्लेक्स है, जो भी आपके पास अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ये इतने ही सामान से आप बनाएंगे तब भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है, सब्जी, और इसे भूनने का बनाने का तरीका जो है ना वो मेन है। अब इसमें रोटी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए बस भूनना है हमें, और गैस को कर देंगे बंद। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारा सामान हो तभी चीज़ अच्छी बनेगी, थोड़े सामान में भी हम अच्छी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन हमें पता होनी चाहिए कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, और कितनी हमें भूननी है, कितनी पकानी है। अगर हमें वो पता हो ना तो कम सामान में भी हम टेस्टी खाना बना सकते हैं। तो ये जो हमने नाश्ता तैयार करा है, बच्चे नहीं खा सकते, इसे बड़े बुजुर्ग सभी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सब्जियां डाली हैं और मसाला भी हमने कोई भी ऐसा नहीं डाला जिससे बड़े खा के उनका पेट ख़राब हो जाए, इस तरीके का हमने कुछ नहीं डाला। तो इसे छोटे बड़े सभी खा सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।